hello students in previous video we have learned how to compare the decimal numbers and today we will uh, arrange the decimal numbers in ascending and descending order so we are doing worksheet number 6 of unit 5 so question number 1 we have already done so we'll start with question number 2 arrange arrange in ascending order order so here is the a part that is uh, six point zero three five comma six point five three comma six point zero zero five and six point three five 9 so uh, yesterday i have told you that to compare the decimal numbers what we have to see first first of all we have to see the whole number part so here the whole number part is 6 6 6, six. in all the numbers the whole number part is same so we can't compare these numbers by seeing the whole number part so now what we have to do so we have to see the tenths place then so what is here at tenths place zero 5 0 and 3 so uh, to write in ascending order first of all we have to write the smallest number right so uh, we can easily find out which one is smallest From here, because zero five zero three, so five and three is bigger than zero. So we have two numbers having zero at tens place. So that means in दोनों number numbers से ये दोनों numbers छोटे हैं क्योंकि इनके टेंथ प्लेस पे क्या है जीरो है बट यहाँ पर दोनों के टेंथ प्लेस पे जीरो है तो इसके इससे हमको फिर से कंपेयर करने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है सो क्योंकि दोनों सेम है सो यू विल सी द हंड्रेड्स प्लेस इन बोथ द नंबर्स क्योंकि ये तो हमको क्लियर हो गया टेंथ प्लेस से कि ये दोनों नंबर छोटे हैं इन दोनों नंबर से बट इन दोनों नंबर को जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो टेंथ प्लेस दोनों का सेम है नाउ वी विल सी द हंड्रेड्स प्लेस हंड्रेड्स प्लेस मेरा यहां पर थ्री है और यहां पर मेरा हंड्रेड प्लेस जीरो है सो विच वन इज स्मर थ्री और जीरो सो जीरो इज स्मर

यहां फाइव और यहां पर थ्री सो विच वन इज स्मॉलर दिस थ्री इज स्मॉलर सो सिक्स थ्री फाइव नाइन सो दिसन ना वट इज लेफ्ट इज दिस इज द लास्ट नंबर सो दिस इज द ग्रेटेस्ट वन सो इन दिस वे वी कैन अरेज दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर नाउटेक वन मोर एग्जाम्पल

so the procedure is same. What we have to do? First of all, we will see the whole number parts. So here whole number part is 19, 19, 19, 19. In all the numbers, whole number parts are same. So we can't compare them. So what will be the next step? In next step, we will see the digit at tenth place. So tenths place pe kya hai? zero. वन सेवन जीरो अगेन सेम जैसे ऊपर वाला केस था जीरो हमारे पास टू आ गए बाकी वन और सेवन तो जीरो से ग्रेटर है तो हमको क्लियर है कि जीरो वाले हमारे स्मॉलर हैं नंबर्स नाउ बट यहां पर टेंथ प्लेस पे टू नंबर्स पे जीरो है और दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हंड्रेड्स प्लेस देखना पड़ेगा सो हंड्रेड्स प्लेस पे यहां पर सेवन है और यहां हंड्रेड प्लेस पे वन है सो विच वन इज स्मॉलर वन इज स्मॉलर देन सेवन सो दिस इज द स्मॉलेस्ट वन सो नाइनटीन पॉइंट जीरो वन सेवन ना वी हैव रिटन दिस नंबर नाउ आफ्टर राइटिंग दिस विच वन इज द स्मॉलेस्ट वन आउट ऑफ दिस थ्री दिस इज द स्मॉलेस्ट वन क्योंकि इसके टेंस पे जीरो है क्स्ट वन अब हमारे पास ये टू नंबर बचे हैं आउट ऑफ दिस टू विच वन इज द स्मोलेट तो यहाँ पर टेंथ प्लेस पे वन है यहाँ प्लेस पे सेवन है तो वन स्मॉलर होगा सो नाइनटीन पॉइंट वन सेवन जीरो दिस ऑल्सो वी हैव रिटर्न ना दिस इज द लास्ट वन विच इज लेफ्ट एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर आउट ऑफ दिज so this is the ascending order of these numbers now in the same way uh, we can arrange the these decimal numbers in descending order so two questions are left so try to solve those two uh, parts of this question number 2 we will start the question number 3 that is arrange डिसेंडिंग ऑर्डर अरेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर सो दिस इज जस्ट अपि ऑफ दैट वहां पर हम लोग स्मॉलर नंबर पहले लिख रहे थे स्मॉल टू बिग जा रहे थे इन डिसेंडिंग ऑर्डर वी हैव टू राइट बिग टू स्मॉल सो प्रोसीजर इज सेम करने का सेम तरीका है और द ओनली डिफरेंस इज हमें इसको बिग टू स्मॉल लिखना है सो फर्स्ट इज टू हंड्रेड एटीन पॉइंट एट वन एंड देन टू हंड्रेड एंड एटी वन पॉइंट एट टू एंड देन टू हंड्रेड एंड एटी वन पॉइंट एट वन एंड टू हंड्रेड एंड एटीन पॉइंट नाइन नाउ व्हाट

टू दो डेसिमल नंबर से जिसमें 281 है होल नंबर और टू नंबर्स ऐसे हैं जिसमें 218 है हमारे होल नंबर सो ऑब्वियसली 218 इज स्मॉलर देन 281 तो हमें पहले 281 को कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि हम सबसे पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में सो 281 281 तो इन दोनों को कंपेयर करने के लिए वी हैव टू सी द 10थ्स प्लेस टेंथ प्लेज पे क्या है हमारा एट और इसके टेंस पे क्या है अगेन एट दोनों टू हंड्रेड एटी वन वाले थे टेंथ प्लेस पे दोनों के एट है सो स्टिल इट इज नॉट कंपेरेबल नाउ वट वी हैव टू डू वी हैव टू सी दैक्स प्लेस दैट इज हंड्रेड्स प्लेस सो हंड्रेड्स प्लेस पर यहां पर क्या है टू एंड वट इज हेयर एट हंड्रेड्स प्लेस दैट इज वन

टू हंड्रेड एटीन तो दोनों में टू हंड्रेड एटीन है वो स्मॉलर है इससे नाउ वी कि इनमें से कौन सा ग्रेटर है ना टू हंड्रेड एटीन टू हंड्रेड एटीन होल नंबर पार्ट इज सेम मूव टू प्लेस सो वट इज हेयर एट टेंट एंड एंड प्लेस दैट इज नाइन So which one is greater, 9 or 8? So 9 is greater than 8. So this is greater. 218.9 and the last 218.81 is left. This is the smallest one. So in this way we can arrange these numbers in descending order. Uh, let us take uh, one more example d part last part of this question and try to solve the uh, these uh, b and c part yourself uh, we will do this 0 0.045 and 0 0.040 and 0 0.544 and 0 0.005 so here we have to arrange in descending order. So what we have to do? So let us start comparing. We have to write the greatest number first. So here the whole number parts are same. Zero. So what we have to do? We have to see the digit at tenths place. So tenths place 0 kya hai? Zero, zero, five, zero. सो इट इज क्लियर फ्रॉम हेयर विच वन इज द ग्रेटेस्ट बाकी में तो जीरो है टेंस पे सिर्फ इसमें है फाइव टेंस पे सो ऑब्वियसली दिस नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर सो जीरो पॉइंट फाइव फोर फोर इज द ग्रेटेस्ट नंबर सो सोल राइट इट एट फर्स्ट पोजिशन नाउ वी है थ्री नंबर आर लेफ्ट नाउ और तीनों नंबर्स में हमारे जीरो प्लेस पे कंपेयर so, करने के लिए हमें हंड्रेड प्लेस चेक करना पड़ेगा नाउ एट हंड्रेड्स प्लेस फोर फोर जीरो तो जीरो छोटा होगा फोर फोर वाले चेक कर लेते हैं फोर फोर वाले चेक करने कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट थाउजेंड प्लेस देखना पड़ेगा थाउजेंड प्लेस पे क्या है यहां पर फाइव और यहां पर थाउजेंड प्लेस पे है जीरो सो विच वन इज ग्रेटर फाइव इज ग्रेटर 0 0.045 is greater now out of these two hundred uh, hundred place space be 4th is 0 so obviously 4 is greater so 0 0.040 and the last one is 0 0.005 so this is the descending order of the given number so in this way you can uh, compare the Decimal numbers, and I have already told you the steps. First of all, see the whole number part. If whole number part is clear, not then see the tens place. If it is clear, hota hai, then next. As a step by step, we check check. And we can easily compare these numbers. So I hope it is clear to you now. And uh, we have completed the unit. And uh, in next video, we will discuss the Brain teasers of this unit. So, uh, thank you.